हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना इंडिया का। फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में करौंदे बहुत मिलते हैं और इसकी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। करौंदों को आप दाल चावल या पराठा किसी के भी साथ खा सकते हैं। इससे आपके खाने का टेस्ट बढ़ जाएगा और ये सब्जी 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ककरौंदे की सब्जी बनाने के लिए मैंने ककरौंदों को ऐसे बीच में से काट के उसके सीड्स निकाल दिए हैं। दो बड़े साइज की प्याज को लंबा लंबा चॉप कर लिया है। कुछ ग्रीन चिली ली है जिनको मैंने लंबा लंबा चॉप कर लिया है। आप इसमें चाहें तो ग्रीन चिली ज्यादा भी डाल सकते हैं। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम होने रख दिया है। अब 1/4 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरे को भुनने देंगे। जीरा भुन गया है। अब ओनियन डालकर ओनियन को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ओनियन को हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। वन फोर टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। मसाले डालकर मिक्स कर देंगे। मसाला भुन गया है। अब ककरौंदे और हरी मिर्च को डालकर मसाले में अच्छे से मिला देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक को सब्जी में मिला देंगे और लो फ्लेम पर ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। सब्जी को ढककर पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, खोलकर चेक कर लेंगे। एक करौंदे को दबाकर देखेंगे, ये सॉफ्ट हो गया है। इसका मतलब है सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें दरदरी पीसी हुई 1 स्पून सौंफ डालेंगे। सौंफ डालकर मिला देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत जल्दी बन जाती है। सब्जी को अब हम 1 प्लेट में सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। ये बहुत टेस्टी भी बनी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।